हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लूपिन के बारे में। लूपिन जो कि एक फार्मा सेक्टर के अच्छा खासा वेटेज वाला शेयर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो इसका हाई था वो लगभग 1265 के आसपास था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसके अंदर करेक्शन आया, ये नीचे गिरते गिरते आज आप इसको देख रहे होंगे कि अपने कुछ दिनों पहले इसने अपना लो बनाया था 1077 का। इसके अंदर मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, इसके अंदर जो ऊपर है ये सारे इनके टारगेट है, नीचे जो इसके सपोर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाउन साइड की। तो इसका जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट का काम करने वाला है ये वाला जो डार्क सर्कल में मैंने मार्क कर रखा है, जो सबसे ज्यादा बोल्ट है ये रेड कलर में, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मेरे को नहीं लगता इस शेयर को 1041 या 1040 के नीचे जाना चाहिए। उसके बाद का इसका जो सपोर्ट बनता है वो 1000 लगभग 47 के आसपास का बनता है। तो जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया था जब ये 1080 के आसपास था। और जो इसका टारगेट बनता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कुछ दिनों से काफ़ी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर थी और प्राइस ऊपर से नीचे आते आते ये जो एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट था, इस रेंज में आके इसने सपोर्ट लिया, जैसे इस वाले कैंडल ने सपोर्ट लिया और उसके बाद इसने कुछ अपमूव दिखाए हैं। तो जैसे हम इसके अंदर एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ये इसका एक सपोर्ट बन सकता है और ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो इसके स्टॉप लॉस के थ्रू हम इसके अंदर एक बाइंग कर सकते हैं। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी बाय के लिए सजेस्ट किया था। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग लगभग ये वाला लाइन होना चाहिए जो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये तो होगी डाउन मूव की बातें। तो अगर हम बात करें अप मूव की, जैसे हमने यहाँ पे अगर बाय किया और हमारा स्टॉप लॉस हुआ लगभग ये 1040-41 का, तो उस केस में हमारा टारगेट क्या बनता है? तो उस केस में जो हमारा टारगेट बनता है ये फर्स्ट वाली लाइन, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा थिन लाइन से है ग्रीन कलर में, तो हमारा ये वाला टारगेट होना चाहिए, मतलब 1167 का टारगेट होना चाहिए पहला। और जो दूसरा टारगेट होगा वो लगभग 1074-72 के आसपास में होगा। अब जैसे इसने इन दोनों लाइन को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद जो इसका अगला टारगेट बनता है वो ये वाला, क्योंकि ये वाला रेंज है कुछ दिनों तक इसको रोक के रखेगा, मतलब वो हमारा रेंज होगा 1192 का। और उसके बाद जैसे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट हो जाएगा लगभग 1220 के आसपास। तो इसके अंदर जो भी हमारी एंट्री पॉइंट होगी, एग्जिट पॉइंट होगा, प्लस स्टॉप लॉस जो होगा, तो वो सारे मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके सामने कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें हमारी जो एंट्री होगी वो हमारी एंट्री हो जाएगी लगभग 175-180 मान लीजिए, ये थोड़ा सा अपमूव जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 1045 का हो जाएगा। टारगेट वन इसके अंदर होगा, सबसे पहले मैं जो टारगेट दूंगा इसके अंदर दूंगा 1150 का। टारगेट टू 1200 का नहीं, पहले इसका अंदर जो टारगेट होगा लगभग 1167 का रखिए आप, 1167 का। और टारगेट टू जो होगा वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होगा 1220 के आसपास का, ये जो हमारा टारगेट होगा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद लूपिन शेयर से रिलेटेड आपकी जो भी कोई क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो जरूर सॉल्व हुई होगी और जो भी मैंने लेवल्स आपके सामने शेयर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए बात करते हैं एक दूसरे शेयर। तो दोस्तों मेरा जो अगला शेयर है वो पावर ग्रिड है। जैसा आप देख रहे हैं पावर सेक्टर के अंदर जो भी शेयर है काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मतलब बाइंग आती जा रही है, एक अच्छे खासे देते जा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले इसने अपना हाई बनाया था लगभग 188.80 का और वो था 15 जून का। उसके बाद इसके अंदर सेलिंग बरकरार रहती है, फिर ये यहाँ तक सेलिंग आती है, फिर थोड़ा सा साइडवेज जाता है मार्केट, फिर यहाँ से अचानक सेलिंग आती है और ये मतलब 167 के लेवल को टच कर देता है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे बाइंग कहाँ से कर सकते हैं, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा और क्या हमारा टारगेट होगा। तो इस केस में अगर प्राइस इस लेवल पर आती है, जैसे ये मैंने ब्लू लाइन मार्क कर रखा है, अगर इस लाइन पर आती है मैं तो डेफिनेटली बाय करूँगा, मतलब जो हमारा एंट्री पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है लगभग 162-163 वाला, क्योंकि इसका एक ये जो रेड लाइन है और ये रेड लाइन है इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये लगभग मैं 159 को मानूंगा, तो 159 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय करूंगा 162-163 के आसपास में। और जो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला लाइन होगा मतलब 173 के आसपास का, मतलब उसके अंदर पहला जो टारगेट हम रख सकते हैं 172 के आसपास का रख सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, मतलब अगर हम इसके अंदर अच्छा टारगेट लेना चाहते हैं, तो जो पहला टारगेट हम जैसे हमने बताया कि ये वाला टारगेट होना चाहिए 172 के आसपास का, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा ये होगा लगभग 177 के आसपास का। और अगर हम लंबे टाइम तक इसके अंदर बने रहते हैं एक अच्छा सा टारगेट लेने के लिए, तो उस हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग 180 प्लस होना चाहिए, 184 के आसपास का। तो ये हमारी डाउन मूव हो गई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है इसके अंदर कि ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, 159 से नीचे नहीं जाना चाहिए।
और हमारा जो टारगेट होगा ये होगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, पहले इस शेयर को इस लेवल तक आने का मैं वेट करूँगा, ये नहीं कि मैं यहीं से बाय कर लूँ, क्योंकि अगर मैं यहीं से इसको बाय करता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये शेयर अगर यहाँ तक आता है, जैसे अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 171 का, और अगर ये यहाँ तक आ जाता है जैसे कि 172 तक आता है, तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर बाय करूँगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 59 और जो टारगेट होगा लगभग 173, उसके बाद 184। तो चलिए ये सारे लेवल्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो मेरी जो एंट्री होगी वो इसके अंदर होगी 162 से 163, स्टॉप लॉस हो जाएगा 159 का, टारगेट वन जो होगा 172, टारगेट टू 184। तो होप गाइस पावर ग्रिड शेयर से रिलेटेड आपकी जो भी कुछ क्वेरी होगी जरूर सॉल्व हुई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं एक दूसरे शेयर के बारे में। तो दोस्तों जो मेरा अगला शेयर है वो FSL है। FSL एक IT कंपनी का शेयर है, जो इसका फुल फॉर्म है ये है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। तो इसका जैसे हम करंट मार्केट प्राइस अगर देखेंगे तो अभी ये जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 195 के आसपास का चल रहा है। तो अगर अभी आप अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे तो इसको मैंने पहले से लोगों को सजेस्ट कर रखा था इसको बाय करने के लिए, जो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो मैंने स्टॉप लॉस और जो भी मतलब एंट्री पॉइंट उनको सजेस्ट किया था उन लोगों ने बाय भी किया होगा, और सेम डे एक अच्छा खासा इसने अप मूव दिया था, लेकिन फिर थोड़ी सी मार्केट में सेलिंग आई, IT का सेक्टर थोड़ा डाउन गया तो ये भी थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस केस में जो हमारा जो एंट्री होगा, जो हमारा टारगेट होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डाउन मूव की। तो इसमें जो इसका डाउन मूव है, जैसे देखिए अब जैसे जो मैंने लोगों को सजेस्ट किया था वो यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था लगभग 197 के आसपास में, तो एक ये वाला जो लेवल है इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है लगभग 195 के आसपास का। तो अभी शेयर वहीं ट्रेड कर रहा है, और जो हमारा ये वाला जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा अगर हम यहाँ पर बाइंग करते हैं तो। और इसका जो ये सपोर्ट है लगभग 185 का, ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मतलब प्राइस के नीचे इसको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये वाला जो लेवल है, तो इस केस में मतलब हमारी जो बाइंग होगी वो यहाँ पे होगी, जो मतलब ये काफ़ी थिन लाइन मैंने मार कर रखी है मतलब ब्लू कलर में, यहाँ पे हमारी बाइंग होगी। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा लगभग 191 के आसपास का या फिर 190 का। और इस केस में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा लगभग 214 के आसपास का, और उसको अगर इसने क्रॉस किया तो इसका हमारा जो अगला टारगेट बनता है लगभग 220 के आसपास। और अगर इसके अंदर बाइंग बरकरार रहती है, IT सेक्टर भी अच्छा खासा बुलिश दिखाता है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट हो जाएगा लगभग 225 के आसपास का हो जाएगा। तो इसके अंदर अच्छी खासी मूव आनी चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। और इसके अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं तो एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा लगभग 235 के आसपास का, और उसके बाद अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो बड़े प्यार से ये 240-242 तक जा सकता है। तो लगभग 195 रुपये का शेयर लगभग 250 के आसपास जाने को तैयार है। तो इसमें भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये जो शेयर थे मेरे रडार पे थे, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में। जो भी मैंने तीनों शेयर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंस लेवल थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आने वाले टाइम में जो भी आप इसके अंदर आप ट्रेडिंग करने चाहते हैं, जो भी इसके अंदर आपकी प्लानिंग है, उसके लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है, उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।